श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट T20 मैच जो कि होने वाला है श्रीलंका में, और सबको पता है श्रीलंका और अफगानिस्तान का होने वाला है, और अफगानिस्तान भी रिसेंट से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इंडिया के खिलाफ। आपने तो देखा था T20 में क्या ही इनिंग बिल्ड करके गई थी और मैच लगातार 2 सुपर ओवर गए थे। तो विकेट कीपर में है भाई कुशल मेंडिस, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है और ओपनिंग करेगा, प्लस कप्तान है तो इम्पोर्टेंट है, लेना ही लेना है गुरबाज। अब गुरबाज का तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था ये मारेगा, तो क्या करके गया आपको पता है, 30 से 40 रन मार के गया वो भी ताबड़तोड़। तो ये भी ओपनिंग आएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। गुरबाज भी श्रीलंका बैटिंग करती है तो गुरबाज लेना है, हाँ विकेट कीपरिंग से ही पॉइंट देगा और उससे भी, तो दोनों पिक कर लेंगे। सदीरा विश्वकर्मा जो श्रीलंका बैटिंग करेगी तो इसको भी पिक करूँगा क्योंकि बढ़िया फॉर्म में भाई। निशंका बहुत ही शानदार बैट्समैन है, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट में भी बहुत अच्छा करके गया, 200 रन 300 रन, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। इब्राहिम जादरा ये भी बहुत शानदार प्लेयर है और अच्छी बैटिंग करता है। अश्लंका भाई जब ऊपर के 2 से 3 विकेट आउट हो जाते हैं तो अश्लंका नीचे आके ताबड़तोड़ बैटिंग करता है और अच्छी है। डी सन का भाई ये बॉलिंग भी करता हुआ दिखेगा 1 से 2 ओवर और प्लस 5वें 6वें में बैटिंग करते हुए भी दिखेगा, चाहो तो आप पिक कर सकते हो। हर्षद जाई खेलता है तो हिट और मिस वाला प्लेयर है, मारता है तो लंबा मारता है। कुशल परेरा भी इसकी श्रीलंका लीग और इंटरनेशनल प्रीमियर लीग अच्छी जा रही है, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग खेल रहा है और अच्छा जा रहा है। नजबुल्ला ज़्यादा रन 5वें पे आएगा और ताबड़तोड़ हिटर है ये भी। कुशल परेरा खेलता है तो इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद नाबी लेना ही लेना है, ये भी वाइस का दावेदार है, प्लस 4 ओवर प्लस 5वें 6वें बैटिंग। हसरंगा जो ये भी अपना कप्तान वाइस का दावेदार है, बॉलिंग पसंद बैटिंग करेगा। एंजेला मैथ्यूस भाई लास्ट टाइम मैंने T20 में देखा था 4 ओवर प्लस 30 से 40 50 रन मार गया था और शानदार बैटिंग भी कर रहा था। उमर जाई बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शानदार फॉर्म में। डी सिल्वा ये कभी चौथे पे आ जाएगा, कभी फर्स्ट डाउन, कभी 5वें पे, 1 से 2 ओवर डालता हुआ दिखेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो खेलेगा तो मैं लूँगा। गुलबरीन आई ये भी भाई बैटिंग बहुत शानदार कर रहा है, 4थे पे इंडिया के खिलाफ, आप सबको तो पता ही है क्या बैटिंग करके जा रहा था, तो खेलेगा तो इम्पोर्टेंट है। नवीन उल हक अफगानिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो नवीन उल हक इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 ओवर डेथ में भी डालता है और पावर प्ले में। फिलहाल थिक्साना फारूकी की भी रिसेंट फॉर्म बहुत ही शानदार है T20 में। मधुसूदन का थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है, 3 मैचों में 2 विकेट लेके गया 3 मैचों में, तो एवरेज परफॉर्मेंस देख सकते हो। फिलहाल मैं श्रीलंका के ज़्यादा गेंदबाज प्रेफर कर रहा हूँ, श्रीलंका बैटिंग करे या बॉलिंग। फयाद मलिक बहुत ही शानदार पेसर है इंडिया के खिलाफ, आप सबने बॉलिंग देखी होगी कि उस अहमद बहुत ही शानदार गेंदबाज है। न्यूल तेसेरा ये भी अच्छा है, बी फर्नांडो, एम मोहम्मद, धनंजय अभी वनडे में अच्छी बॉलिंग करके गए, तो फिलहाल मैं अभी तेसेरा या फर्नांडो खेलेगा तो दोनों को ले लूँगा। फिलहाल अभी मैं नवीन के साथ जा रहा हूँ या मधुसूदन का भी इम्पोर्टेंट। फिलहाल कप्तान तो अपना हसरंगा, वाइस के बहुत सारे ऑप्शन है, निशंका है जैसे कि अभी रिसेंट फॉर्म आपको पता है, मोहम्मद नाबी, उमर जाई, तो मतलब बहुत ही शानदार फॉर्म में। अब देख दो कुशल मेंडिस है, गुरबाज है, निशंका है, जादरान है, नाबी है, उमर जाई है, हसरंगा है, एंजेला मैथ्यूस है, नवीन है, थिक्साना और पथिराना है। फिलहाल फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना, मिलते हैं आपको।